Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about two types of letter, that is good news letter and bad news letter. इससे पहले जो बहुत सारे types of letter है वो हमने already discuss करे हैं एक वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट. सो इस वीडियो में हम दो लेटर जो बाकी रह गए उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज गुड न्यूज लेटर एंड बैड न्यूज लेटर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुड न्यूज लेटर, कि गुड न्यूज लेटर क्या होते हैं. इनके नेम से ही आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं, गुड न्यूज लेटर मतलब ऐसे लेटर जिनके थ्रू आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, गुड न्यूज. सो द लेटर्स विच आर यूज टू कम्युनिकेट गुड न्यूज इन बिजनेस आर कॉल्ड गुड न्यूज लेटर, राइट. जो आपके गुड न्यूज शेयर करने के लिए यूज करते हैं आप लेटर्स, उन्हें गुड न्यूज लेटर कहते हैं. सिमिलरली बैड न्यूज लेटर क्या हो जाएंगे, द लेटर्स विच आर यूज टू कम्युनिकेट बैड न्यूज इन बिजनेस आर कॉल्ड बैड न्यूज लेटर. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन गुड न्यूज लेटर में आते क्या क्या है, कौन कौन सा कंटेंट है जो आप लिखते हैं, राइट. सो कोई भी मैसेज हो एक बिजनेस में, उसको आप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट भी क्लासिफाई कर देते हैं. और अगर आपसे कोई पूछता है कि गुड न्यूज़ लेटर और बैड न्यूज़ लेटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेंट के बेसिस पे होता है, कि इस मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसी है. अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो वो गुड न्यूज़ हो जाएगी, और अगर वो इन्फॉर्मेशन बुरी है तो हो जाएगी बैड न्यूज़, राइट. सो गुड न्यूज लेटर में जैसे कि आप कोई गुड न्यूज बता सकते हैं, कौन कौन सी गुड न्यूज, लाइक किसी एम्प्लॉय का आपने प्रमोशन कर दिया, राइट. उससे रिलेटेड अगर आपने उस लेटर को लिखा अपने एम्प्लॉय को, तो वो क्या है, उसके लिए गुड न्यूज है, तो एक तरीके की गुड न्यूज लेटर हो जाएगा. सपोज करिए इसी तरीके से आपके बैंक में किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है और आपने उसे लोन सैंक्शन कर दिया है, तो ये जब आप लेटर लिखते हैं कि हे योर लोन हैज बीन पास्ड, आपका जो लोन है वो हमने यू नो क्लियर कर दिया है, आपको अब लोन यू नो मिलेगा, तो ये क्या है, उनके लिए गुड न्यूज है, तो ये भी एक गुड न्यूज लेटर के ही अंडर में आ जाएगा. इस तरीके से बहुत सारे जो लेटर्स हो जाएंगे इसमें, लाइक अगर आपके कोई क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की है आपसे किसी चीज को लेके, और आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक गुड न्यूज लेटर हो जाएगा. इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा बैड न्यूज लेटर, लाइक अगर आपके लिए किसी ने आपसे लोन के लिए अप्लाई किया और आपने वो रिजेक्ट कर दिया है, तो वो बैड न्यूज लेटर हो जाएगा. सिमिलरली किसी का प्रमोशन करना था आपका, आपको आपने उसका प्रमोशन नहीं किया, वो भी आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपने उसका डिमोशन ही कर दिया, वो भी आपको उसको कम्युनिकेट करना है. इस तरीके से जो आप चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बैड न्यूज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आ जाएगी आपकी बैड न्यूज़ लेटर के अंदर, राइट. सो ये है आपका गुड न्यूज़ लेटर और ये हो गया आपका बैड न्यूज़ लेटर. मूविंग टू अ नेक्स्ट थिंग हेयर, डेट इज़ गुड न्यूज़ लेटर और बैड न्यूज़ लेटर को आप लिखते कैसे. आपको ये ध्यान देना कि गुड न्यूज़ लेटर को लिखने का तरीका तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो ही इतना ईजी है. आपको गुड न्यूज़ किसी को देनी है तो आपको लेटर जो है वो बहुत ही आप यू नो हैप्पीली वे में आप वो लिख सकते हैं. उसमें आपको ज़रा सोचना नहीं है कि यू नो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, तो जो आप सामने वाले को दे रहे हैं वो पढ़ेगा तो वो खुशी हो जाएगा. लेकिन बैड न्यूज़ लेटर में, सिंस आप कोई बैड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही कर रहे हैं, या अपने क्लाइंट्स के साथ कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करनी होती है कि आपकी जो गुडविल है वो भी ना जाए, ठीक है, आपके रेपुटेशन भी बरकरार रहे आपके बिजनेस की, और आप उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे कम्युनिकेट करें कि सामने वाले को ऑफकोर्स बुरा लगेगा, लेकिन उतना बुरा ना लगे, राइट. तो इस तरीके से भी आप ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे इस मैसेज को यहाँ पे कम्युनिकेट करना होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है, सोचना होता है, वो होता है आपका बैड न्यूज़ लेटर, राइट. सो ये थे आपके गुड न्यूज़ लेटर और बैड न्यूज़ लेटर, कि होते क्या है, कैसे आपको लिखने होते हैं, और साथ ही साथ कि इसमें कौन कौन से लेटर्स इंक्लूड हो जाएंगे, राइट. सो यही आप लिख सकते हैं इन लेटर्स में. और अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है इस लेटर्स के रिगार्डिंग, देन आप मुझे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.